अस्सलामु अलैकुम। एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, मुसद्दस, उन्वान है हिजाब। मुलाहज़ा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हिजाब भी है। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हिजाब भी है। शराफतों का है परचम, खुली किताब भी है। ये तेग भी है, सिपर भी है, इनकलाब भी है। जहां में अहले हवस के लिए अजाब भी है। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हिजाब भी है। शराफतों का है परचम, खुली किताब भी है। ये तेग भी है, सिपर भी है, इनकलाब भी है। जहां में अहले हवस के लिए अजाब भी है। हवा का रुख यही लम्हों में मोड़ सकता है। ये पाए तख्ते हुकूमत को तोड़ सकता है। इसी ने कूफे के लोगों को हक दिखाया है। जो सो रहे थे सरे शाम उन्हें उठाया है। यजीद बन के उठा जो उसे मिटाया है। इसी ने शाह को ईरान से भगाया है। बुरी नजर से जो देखे उसे तबाह करे। बुरी नजर से जो देखे उसे तबाह करे। गुनाह करने ये दे और न खुद गुनाह करे। बढ़ाता है ये जमाने में औरतों का वकार। बढ़ाता है ये जमाने में औरतों का वकार। ये होने देता नहीं है बुराइयों का शिकार। ये बिकने देता नहीं है उन्हें सरे बाजार। ये अहले जुल्म से रहता है बरसरे पैकार। ये अहले जुल्म से रहता है बरसरे पैकार। ये बेहयाई से यूं इज्तनाब करता है। सितमगरों को ये खुद बेनकाब करता है। कभी भी पस्त कोई नाज नहीं हुई इससे। सितम के आगे कभी खम जमी हुई इससे। कि शर्मसार कभी ये जमी हुई इससे। तरक्कियों में रुकावट कहीं हुई इससे। तरक्कियों में रुकावट कहीं हुई इससे। इसी हिजाब से किरदार भी संवरता है। इसी हिजाब से किरदार भी संवरता है। इसी हिजाब से हर एक यजीद डरता है। खुदाए पाक से कुर्बत का ये वसीला है। नबी की है ये इताअत, ये एक फरीजा है। ये एतमाद बढ़ाने का एक जरिया है। ये शैतानत को कुचलने का एक तरीका है। वो पाक औरतों की जूतियों की गर्द नहीं। वो पाक औरतों की जूतियों की गर्द नहीं। हिजाब छीनने उठे हैं जो वो मर्द नहीं।